नमस्कार दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, रीट शिक्षक भर्ती 2018 तीसरी वेटिंग लिस्ट को लेकर उपेंद्र यादव ने पोस्ट किया है। और यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, आज माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को रीट शिक्षक भर्ती 2018 की एक और सूची जारी करने एवं अधीनस्थ बोर्ड RPC की स्थगित की गई भर्तियों की आवेदन प्रक्रिया शुरू करवाने एवं परीक्षा तिथि घोषित करवाने और बेरोजगारों की अन्य 11 मांगों को लेकर ज्ञापन दिया। और मांगों को लेकर मुख्यमंत्री जी ने सकारात्मक आश्वासन दिया है। तो यहाँ पर दोस्तों ये देख सकते हैं आप ज्ञापन, अलग अलग भर्तियों को लेकर उपेंद्र यादव ने मुख्यमंत्री को दिया है। और यहाँ पर दोस्तों आप देखिए, ये कल की डेट का है, यानी कल ज्ञापन दिया था उपेंद्र यादव ने मुख्यमंत्री को। और यहाँ पर आप देखिए, श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, इस पॉइंट पे 5 नंबर पॉइंट पर देखिए, रीट शिक्षक भर्ती 2018 लेवल 2 की एक और सूची जल्द से जल्द जारी की जाए। तो आपके लिए दोस्तों अच्छी खबर यह है कि आपकी उम्मीदें अभी भी दोस्तों बरकरार है और उपेंद्र यादव दोस्तों आपके साथ है। और दोस्तों मैंने आपको पहले भी कहा था कि आपके पद खाली है, तो डेफिनेटली दोस्तों आपकी लिस्ट आने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ दोस्तों, समय लग सकता है, लेकिन दोस्तों एक न एक दिन आपकी लिस्ट 100% जारी होगी, ये कंफर्म मान के चलिए, ठीक है। हाई कोर्ट में भी दोस्तों सुनवाई होगी और हाई कोर्ट भी विद्यार्थियों के पक्ष में फैसला देगी, ये भी दोस्तों आप कंफर्म मान के चलिए। तो बड़ी बात दोस्तों यही है कि मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया है उपेंद्र यादव ने और मुख्यमंत्री ने दोस्तों सकारात्मक आश्वासन दिया है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि जल्द से जल्द हाई कोर्ट में सुनवाई होगी, जोधपुर हाई कोर्ट में। और इसके अलावा दोस्तों आपको बता दूं, जयपुर हाई कोर्ट में भी एक याचिका लगी हुई है और जोधपुर में भी। तो आपको बता दूं दोस्तों, जयपुर हाई कोर्ट में सुनवाई होगी 20 दिन बाद और जोधपुर हाई कोर्ट में दोस्तों अभी कोई डेट दी नहीं है, कभी भी सुनवाई हो सकती है, ठीक है। तो अभी के लिए दोस्तों धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।